नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने राजकुमार को हरा दिया था अमेठी से, लेकिन इस बार राजकुमार ने एक ऐसा खेल खेला है कि वहां पर लड़ाई करते ना करने के बावजूद वो अमेठी को जीत सकते हैं। अब आप बोलेंगे, यार सुमित क्या बात करते रहते हो, सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। भैया मैं सेंसेशन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, एक्चुअल न्यूज है ये कि कांग्रेस ने और राजकुमार ने ऐसा क्या खेल कर दिया कि स्मृति ईरानी हार सकती है। अब स्मृति ईरानी वहाँ पर सभाएं कर रही है, नुक्कड़ सभा बोलते हैं उसको, वहाँ जाकर लोगों के पास वो बताती है कि सेंटर ने आपके लिए क्या क्या काम करे हैं। झुग्गी झोपड़ियाँ हैं लोगों के पास, लेकिन वहाँ बैठ कर वो गिनाती है मोदी जी की स्कीम्स को, हमने वहां पर क्या कुछ किया अमेठी के अंदर, जो कि पिछले 75 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, जबकि तीन तीन प्रधानमंत्री उस एरिया से आते हैं। मैं खुद गया हूं वहां पर, गरीबी अगर आप देखेंगे आपका रोना निकलेगा कि यहां से प्रधानमंत्री दिए इन सिंपल लोगों ने, और आज वही सिंपल लोग उसी गांधी फैमिली से के साथ उनकी बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और मोदी जी को गालियां निकाल रहे हैं। ये मैं एक्चुअल रिपोर्ट दे रहा हूं अमेठी से। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो गायें हैं वो अमेठी के अंदर भी घूमती फिरती हैं। कांग्रेस ने बोल दिया सारे वर्कर्स को कि वहां पर बात स्प्रेड कर दो कि ये सारी गायें मोदी जी की हैं, हिंदुओं की हैं, और ये गायें आपके फसलों को खा जाती हैं। अगर आपको 5 किलो अनाज मिल भी रहा है तो 5 क्विंटल तो ये गायें खा जाती है। दैट मीन्स आपको 5 किलो देकर 500 किलो तो गायें को खिला दिया और आपका चारा बना दिया है मोदी जी ने, मोहताज बना दिया है आपको। और लोगों ने ओपनली इस बातों को बोलना भी शुरू कर दिया है कि राजकुमार बिल्कुल सही कह रहा है, हम उसे सपोर्ट करने के लिए दोबारा तैयार हैं। गुस्सा भी है लोगों को राजकुमार से कि जब हमें आपके ऊपर विश्वास है, आपको हमारे ऊपर विश्वास क्यों नहीं है। आपको इतना तो करेज होना चाहिए था कि भाई आप यहां पर आकर लड़ाई करते। और गुस्सा भी है, गुस्सा दूसरी तरफ से है कि स्मृति ईरानी अपने आप को इतना स्ट्रांग करती जा रही है इस एरिया में कि इसे हराना इम्पॉसिबल है, और इनकी गायें हमारी फसलों को खा रही हैं, लेकिन हम ना तो गायें का कुछ कर पा रहे हैं ना ही स्मृति ईरानी को हराने के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। स्मृति ईरानी वहां खड़े होकर लंबे लंबे भाषण दे रही है कि भाई कांग्रेस बोलती है जिस दिन हम सत्ता में आएंगे हम राम मंदिर को तोड़कर खाड़कर फेंक देंगे, और स्मृति ईरानी ने वहां बोला कि जो हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है उसके ऊपर जो झंडा लगा है तुम उसे ही उतार कर दिखा दो, हम मान जाएंगे कि तुम कांग्रेस ही हो। अब दोस्तों आप सोच के देखिए, मोदी जी ने, स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए कितना काम किया, लेकिन इन्हें एक अगर वहां पर गायें आकर इनकी फसल खा रही है जिसका जिसको पकड़ के ये कुछ भी कर सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं, गौशाला बनाई है गौशाला में डाल दीजिए, तो लोग बोलते हैं गौशाला में हमको भेज के आए, मोदी जी ने गौशाला बनाई है यहां पर तो गौशाला में गायों को पकड़ के अंदर लेके जाने का काम भी मोदी जी को करना चाहिए। यानी कि अमेठी वाले अपने आप को राजकुमार से कम नहीं समझते, वो समझते हैं कि हर काम मोदी ही करे आकर। ये हालत है हम हिंदुओं की या हमारे देश की। सोच के देखिए, एक सड़कों पे गाय है जो फिर रही है, वो कहते हैं जहां जाओ वहीं पे गाय बैठी होती है, बछड़े बैठे होते हैं, हम इनका कुछ हाल नहीं कर सकते हैं, पकड़ के क्या उसे आप गौशाला में रहकर नहीं दे सकते, सिर्फ गालियां निकालनी हैं। और क्या बोल रहे हैं कि हम राजकुमार के साथ हैं, यानी कि राहुल गांधी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने 2 प्रॉमिस करे हैं, एक बेरोजगारी खत्म कर देंगे, दूसरा गरीबी खत्म कर देंगे, और उसके लिए उन्होंने 1-1 लाख रुपया देना प्रॉमिस कर दिया है लेडीज को। और अमेठी के लोग जो 75 साल ठगे रहे इसी गंदी फैमिली से, आज उसी के गुणगान गा रहे हैं कि अगर राहुल बाबा आएंगे तो हमारे जो यहाँ पर यूथ है उसे नौकरियां मिल जाएंगी सरकारी। जबकि स्मृति ईरानी ने वहां पर इंडस्ट्रियल पार्क
इनॉग्रेट किया है, वहां पर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और फैक्ट्रीज को लेके आने की पूरी मुहिम चलाई जा रही है मोदी जी से की तरफ से, योगी एंड स्मृति ईरानी। लेकिन वो बोलते हैं हमें प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए क्योंकि वहां काम करना पड़ेगा। राहुल बाबा ने बोला है कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, हम तो सरकारी नौकरी ही चाहिए, वहां पे तनख्वाह बेशक कम हो लेकिन उसकी प्रोमिसेस हैं और हमें वो चाहिए। दूसरा, 1-1 लाख रुपए मिल रहा है, हमें काम करने की जरूरत क्या है, यानी कि फ्री राशन मोदी जी दें, 1 लाख रुपया लेडीज को, हर लेडी को राहुल बाबा दे देंगे, काम बन गया, काम करने की जरूरत नहीं है, और जो लड़के हैं घर में उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो माल ही माल है, खुद भी बनाएंगे और राहुल बाबा को भी दे देंगे। इसलिए वो बोल रहे हैं बार बार कि राहुल जी को अपनी जमीन छोड़कर भागना नहीं चाहिए था अमेठी से। क्यों? क्योंकि वो यहां से अगर लड़ते तो इस बार जीतते जरूर। आप सोच के देखिए, ईरानी, स्मृति ईरानी ने अपनी आईडी बना ली है अमेठी से, वहीं रहती हैं, वहीं घर है, वहीं पे काम करती हैं, हर एक के सुख दुख में वो खड़ी होती हैं, और जो ये गुंडा राज था इसकी कमर तोड़ के रख दी, जिसको ये ना भगवान की तरह राहुल गांधी को देखते थे, उसकी कमर तोड़ के रख दी थी 2019 में, और एक ऐसी हिस्ट्री बनाई कि गांधी को भी कोई हरा सकता है। और ये एक जिसको बोलते हैं कि बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल जो कल्चर बना हुआ था पूरे देश में, उसको हिला के रख दिया था स्मृति ईरानी ने। और वहाँ के लोग वो आज भी एक ही बात बोलते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और इसमें एक हैरानी की बात देखिए, जो पुरानी बूढ़ी औरतें हैं वो ज़्यादा बेनिफिट ले रही हैं, बेशक वो आयुष्मान कार्ड हो, गैस सिलेंडर हो, बेशक वो यू नो जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, राशन हो, लेकिन वो क्या बोलती हैं, राहुल बाबा ठीक थे, मोदी जी ने सिलेंडर तो दे दिया, भरने के पैसे तो हमें देने पड़ते हैं, यानी कि इन्हें सिलेंडर भी फ्री चाहिए, गैस चूल्हा भी फ्री चाहिए। अब वो चाहते हैं कि हमें राशन तो फ्री मिल रहा है, गैस भी फ्री में मोदी जी भर कर दे। सोच के देखिए, क्या इस तरह से इलेक्शन लड़े जाएंगे? क्या इस तरह से हर चीज फ्री देने का जो कल्चर शुरू किया है भारत में, क्या इससे देश तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। और कांग्रेस को भी इस छोटेपन का, उनको पता है कि भाई ये छोटी छोटी चीजें लुभाने वाली, हम देते जाएंगे वोट हमें मिलती जाएगी। ऊपर से जाति का कार्ड, वो भाई यादव जो है या जो ठाकुर थे उनको इन्होंने शो करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने कि ये मोदी के खिलाफ हैं, उनको अपने पाले में कर दिया, काम कुछ भी नहीं किया, लेकिन डिविजन्स कर दिए पूरे हिंदू समाज में और वोटें ये लेके चले जाएंगे। तभी बार बार बोल रहा हूँ कि एक गाय सड़क के ऊपर, उसके ऊपर एक कैंपेन किया गया कि ये मोदी की गायें हैं जो आपको नीचे कर रही हैं, आपकी जो इनकम सोर्स है उसे ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि जितनी वेलफेयर स्कीम्स थी मोदी जी की वो सारी के सारी धरे में रह गई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस ने एक गंदा गेम खेलकर सारी लाइमलाइट स्मृति ईरानी के सारे काम को जीरो करके रख दिया और लोग उन चीज़ों में फंस भी गए। अब सोच के देखिए, स्मृति ईरानी ने वहाँ पर क्या कुछ नहीं किया, जो कलेक्टर का ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, सड़कें हो, गैस कनेक्शंस पाइपलाइन के थ्रू लोगों के घर में आना हो, ये सारी डेवलपमेंट की अचीवमेंट्स हैं। और इस लेडी को एक एक ब्लॉक का पता है, कौन से ब्लॉक में कौन सा काम हुआ है, कौन से विलेज में, गाँव में कौन सा काम हुआ है, हर चीज़ उसके टिप्स के ऊपर है। राहुल गांधी को तो अमेठी के ज़िलों के नाम तक पता नहीं होंगे, डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। 5 साल में एक बार आने वाला युवराज आज अभी भी जीतने की तमन्ना रखता है बिना लड़े वहां पर, और जीत भी जाता अगर ये आता तो अमेठी से जीत भी जाता। क्यों? क्योंकि मोदी जी की गायें रास्ते में चल फिर रही हैं, ये हालत है। और स्मृति ईरानी ने वहां पर सेंट्रल स्कूल खोला है, सैनिक स्कूल खोला है, फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने बोला इंडस्ट्रियल पार्क तो बना दिया, फैक्ट्रियां तो आई नहीं, मोदी जी फैक्ट्री तो लेकर नहीं आए। भाई फैक्ट्री मोदी जी लेकर आएंगे, आपको अपने 10-10 लाख रुपए का लोन फ्री दिया है, आप लगा लेते, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है आपके लिए, आप वहाँ छोटा मोटा धंधा कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्यों? फैक्ट्री भी मोदी जी लेकर आए। सोचिए देखिए कि नुक्कड़ सभा में ये सारी बातें जब बोली जाती हैं स्मृति ईरानी की तरफ से, वहाँ पर लोग बोलते हैं बेनिफिट तो मिल रहा है,
गवर्नमेंट से, मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा हो गई है, हम बाहर जाते हैं तो हमें टॉयलेट बाहर जाना नहीं पड़ता, घर के अंदर है। लेकिन ये गाय का क्या करें, ये गाय तो हमारा ससुरा हर चीज खाते जा रही है। मतलब कि सारा कुछ गिनाने के बाद आपने गुड़ गोबर करना ही होता है। ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यही चीज पूरे भारत में भी लागू होती है। अमेठी का तो सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक छोटी सी चीज आपके दिमाग को इतना ज्यादा अंदर गोबर भर देता है कि आप उसके बाद कोई भी चीज आपको दिखाई ही नहीं देती। और जो ये लोग हैं वो ये भी बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हो गया, वाटर सप्लाई आ रही है, फार्मर्स जो है उनको असिस्टेंस मिल रही है, सब कुछ गिना देते हैं। और एग्रीकल्चर पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं, लोन मिलने शुरू हो गए, आसानी से हम काम भी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी तो है नहीं। लोन मिल सकता है, आप नौकरी दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है आपके पास। ये हालत है। आप सोच के देखिए, क्या इस तरह से किसी भी गवर्नमेंट को, मुझे लगता है कि काम करना ही नहीं चाहिए हिंदुओं के लिए। क्यों? हिंदुओं को छोटी चीजों से मतलब है, उन्हें सड़कें बन गई, हाईवे बन गए, मतलब ही नहीं है, क्योंकि हाईवे उनके घर तक नहीं जाता है, लेकिन घर के बाहर जो सड़क है वो तो आपके घर तक जाती है, उससे भी मतलब नहीं है। क्यों? कुछ फ्री में नहीं मिला। दैट मीन्स जब बाहर की सड़क पड़ रही थी तो आपके घर के अंदर भी सारी टाइलें गवर्नमेंट को ही लगानी चाहिए थी, तभी आपका घर भरता, तभी आप कहते हैं हाँ यार काम सही हुआ है। राम मंदिर बन गया, जब नहीं बना था तो बना क्यों नहीं, अब बन गया वो तो बन गया है, इसके ऊपर बात क्या करनी है। यही आदतों के कारण राहुल गांधी आज भी सोच के बैठा है कि अमेठी हम जीत सकते हैं। यस, स्मृति ईरानी काम लगी हुई है, वहां पे अमित शाह ने भी रैलीज करी हैं, मोदी जी लगे हैं, पूरी टीम लगी है कि अमेठी अब हमने अपने हाथ से जाने नहीं देना, इतना काम करने के बाद भी। लेकिन मुझे दुख हुआ ये सारी की सारी रिपोर्ट देखकर कि हिंदू आपकी सोच इतनी है कि एक सड़कों पे गांव के लिए, गाय के लिए आप बोलते हैं कि मोदी इज रिस्पॉन्सिबल, और राहुल गांधी ने इतना बढ़िया गेम खेला वहां पर और आप फंस गए। और इसी गेम्स में फंसते फंसते 75 साल से आपने यही काम किया, और वो मुसलमानों को खुश करते रहे, आप ही की गायें आप ही के घर के बाहर से निकाल कर काट कर वो खाते जा रहे हैं, और आप चारा बनते जा रहे हो भाईचारा के नाम पर। मर्जी आपकी है। अगर अभी भी आपको हेल्थ कार्ड मिलने के बाद, स्कूल कॉलेज मिलने के बाद, आपके वहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बनने के बाद, गैस सिलेंडर मिलने के बाद, अभी आप बोलते हो कि गैस सिलेंडर मिल गया लेकिन भरा तो फ्री नहीं है, दैट मीन्स कल को आप बोलोगे टॉयलेट तो दे दिया, अब सफाई वाला भी मोदी जी भेजें आपके घर में, क्योंकि टॉयलेट दिया है तो सफाई करने का भी जिम्मा या स्मृति ईरानी के पास होना चाहिए या मोदी के पास होना चाहिए। आप सोच के देखिए, मैंने कितनी वीडियो देखी हैं जहां पर स्मृति ईरानी किसी भी घर में भी डेथ होती है उसके घर में शोक करने पहुंच जाती है, और कांग्रेस वाले आज तक किसी को फोन करके पूछने भी नहीं गए कि भैया आपका हाल क्या है अपने क्षेत्र में, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गाय मोदी की गाय इनके जो फसल है उसको खा जाती है। ये है ट्रस्ट फैक्टर ऑफ हिंदूस। इसलिए बार बार बोलता हूँ, जो कैबिनेट मंत्री हैं एक ही बात बोलते हैं, हमें दगा मुसलमान ने नहीं, हमारे हिंदुओं ने ही दिया, हमें यही नहीं पता कि हमें वोट करेंगे या नहीं करेंगे इतना काम करने के बाद। अब फैसला आपका है दोस्तों, गद्दार कौन। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.